आसपास भी दिखा दे कि कितना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिखाओ अंधेरा तो? I mean, there's no light at all around, but still we can see everything, yaar, just because of this chandni raat. हाय गाइस, हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अब यहां से आगे घाट शुरू होने वाला है। वेट, लेट मी शो यू। हम कसारा क्रॉस कर चुके हैं। ये कैंपिंग साइट मुंबई से 170, पुणे से 162 और ठाणे से 143 किलोमीटर पे है। इंस्टेड ऑफ गोइंग वाया घोटी शिरडी रोड, वी वेंट वाया भावली डैम रोड। रीजन आपको पार्ट टू में पता चलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि हम ट्रैवल और फूड पे हर वीक वीडियोस लाते रहते हैं। वी आर ग्लैड दैट वी चोज दिस रूट। ऐसा क्यों, वो भी आपको पार्ट टू में पता चलेगा। सॉरी फॉर सो मच सस्पेंस, बट कुछ बातें बोलने में नहीं दिखाने में ज्यादा अच्छी लगती है, सो वी होप यू विल अंडरस्टैंड। Hello guys, finally we reach our destination. सबसे बड़ी राइड अभी तक मेरी। नहीं, नॉर्मल थी, बट वही था कि कभी आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा। Yes, because it's our first time. बस हो गया ना, जरा व्यू तो दिखा कहाँ आए हैं। देखना है? नहीं रे, गाड़ी देख। चल दिखा दे। सुरेश दादा इज असेंबलिंग आवर टेंट। तो ये है कॉमन टॉयलेट विच इज नियर सुरेश दादाज होम। यू टेक वॉटर फ्रॉम हियर। बकेट्स है यहाँ पे एंड देन यूज द वॉशरूम। वॉशरूम इज एकदम क्लीन मैन, क्लीन। सी फ्रेशनर्स आर देयर। हमने सोचा टेंट को लेक के और नजदीक रख दे, क्योंकि इससे हमें सेंट्रिक व्यू मिलेगा और पानी के करीब रहने का मजा भी। इसलिए सुरेश दादा की हेल्प से हमने टेंट को शिफ्ट करवा दिया। बहुत ही स्पेशियस है, देखिए वन कॉर्नर में हमारा सारा सामान आ गया है। और दैट्स हाउ स्पेशियस इट इज। आई थिंक आराम से तीन लोग, मेरे जैसे होंगे तो चार लोग भी सो पाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारा जो टेंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज दिस प्लेस, वहां पे भी एक जगह है। चलिए चलते हैं। पहुंच गए यहाँ पे, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी टेंट लगवा सकते हो रिक्वेस्ट करके, इन केस इफ यू आर कंफर्टेबल विद ग्रीनरी, ग्रास एंड ऑल। यहाँ से भी व्यू अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो व्यू चेक कर लो एक बार। यहाँ पे एक ट्री भी है जो मेरे पीछे आपको दिख रही है। सुकून वाला, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो और मजा आएगा। नहीं रे, हाँ थोड़ा दिख रहा है। अरे किधर, मैं हाथ उंगली, क्या हुआ? हाँ यार, प्लीज गाइस, घर को भी ऐसे ही रखते होंगे ना। अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो ग्रुप के साथ, प्लीज मेक श्योर कि आप डस्टबिन का यूज करो। इतनी अच्छी जगह है यार, क्या मिलता है करके। हे गाइस,
एट लास्ट कुछ खाने मिला अभी हमें, ऑमलेट एंड टू रोटीज एंड मैडम मैडम ने मैगी बोला एंड चाय 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 एंड चाय। सर मैगी खाते नहीं है ना, तो पैकेज में मैगी ही होता है, स्पेशली रिक्वेस्ट की है इसमें। तो मैं पहले से नहीं खाता, ट्राई करूंगा कभी ना कभी, आज ही करेगा देखो। सो हम खाते हैं एंड विल बी बैक सून। This huge lake is in the lap of Western Ghats and is surrounded by various sightseeing spots like Kalsubai Peak, Ratangarh and many more. इतनी कड़ी धूप में भी पानी एकदम ठंडा है। Can you see that sun setting? While the sun was going down, we clicked some amazing pictures. To check some more pictures, follow us on Instagram and Facebook. दादा ने आपल्यासाठी बार्बेक्यू केला आहे आता रेडी। तर दादा आपल्या पॅकेजमध्ये काय काय असते? सर दोन वेळ चहा नाश्ता असतो, तीनच्या नंतर तशी चेक इन असते। ओके आणि एक 5:30 वाजता मॅगी आणि चहा असतो, त्याच्यानंतर मग बार्बेक्यू असतो। बार्बेक्यू झालं की रात्रीचं जेवण असतं, जेवण झालं की मग कॅम्प फायर असतं। कॅम्प फायर असते आणि सकाळी परत कांदा पोहे चहा। चेकआउट कधी आहे? चेकआउट 10:00 नंतर। चेकआउट 10:00 पर्यंत आहे, मग मस्त आहे ना। अजून काय पाहिजे? एक कदोडी। गांव के लोग फिशिंग करके आ रहे थे तो सुरेश दादा ने हमारे लिए उनसे एक मच्छी लाई फॉर अस टू बारबेक्यू। ये है टेंट के बाहर, मौसम का मजा उठा रहे हैं, मुझे बहुत ठंडी लगती है। वे विश कि आपको जो नजारा है सीरियसली बता पाए, लाइक ओपन स्काई, मून, चांदनी रात कहते हैं ना वैसे। मैं ये एक लौता लाइट है हमारे पास, अगर ये ऑफ कर दूं तो कोई भी नहीं दिखेगा, आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वी कैन लिटरली सी एवरीथिंग। सामने जो लेक है हमें वो नजर आ रहा है, पूरी की पूरी चांद की रोशनी में हमें सब कुछ नजर आ रहा है। आई विश हमारे पास इतना हाईफंडो कैमरा होता जिससे हम आपको दिखा पाते। फॉर श्योरली वी विल डू दैट वेरी सून गाइस। दिस एक्सपीरियंस चांद तो दिखाई देते हैं उनको। ऊपर चंदा गोल गोल पूरा गोल तो नहीं है आज। बिना कुछ करे अपने आप ही वो जलेगा। लेट्स सी कैसे जलता है। धुआं तो निकलने स्टार्ट हो गया है, अपने आप कैसे जलेगा? हवा इतनी तेज है यहाँ पे। हाँ बिकॉज ऑफ हवा। जो बारबेक्यू किया उसका कोल डाला है ना, इसीलिए शायद। डिनर आ चुका है, हम वैसे तो राइस वगैरह और बहुत कुछ मिलता है, बट वी आर ओनली गोइंग टू हैव लेट्स सी व्हाट। इट्स डैम हॉट। देखो 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 चिकन करी निकाल के बता है ना। ये है चिकन के पीसेस और ये है चिकन करी। ओके इसके अलावा थोड़ा सा बच गया था, सोचा खा लेते इसके साथ।
चलते फटाफट खाते। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत गंदी और ठंडी है, उसको देखो। हाँ, मेरे को बाहर नहीं आना है, इट्स सो कोल्ड। तो हमने अब चाय मंगाया है, बहुत गंदी वाली, बहुत मतलब बहुत। सीधा व्यू, तब तक ही व्यू एंजॉय करो। जहाँ हमने बारबेक्यू किया था, वहाँ एक स्पेशल मेहमान आके बैठे हुए, जैसे कि आप हाथ में देख सकते हो, अभी हमारा दिन शुरू हो चुका है। नेचर में ही सब कुछ होने वाला है। ऑल योर पर्सनल हाइजीन इन द नेचर टुडे। देखो कैसे काम कर रही है वो, टेंट गीला होने के वजह से ही बराबर लग नहीं रहा है सिर्फ, इतना सा छोटा सा काम है, उधर भी टाइम लगा रही है। खुद कहने का ना, चल एक्सप्लोर करके आते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी, वो है हमारा, सॉरी, द येलो वन इज आवर टेंट। अब हम चले 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 देखो एक्सप्लोर करने। हमारे मित्र भी हमारे साथ आ रहे हैं, चलिए।